तुम्हारे इन लॉज आ चुके हैं, ओके? हाँ ठीक है। आओ बेटा, मैं ले जाती हूँ। नहीं मुझे बताओ, फौरन बताओ मुझे, क्या जिद थी उसकी? अच्छा ठीक है नानी, असल में उसने एक दफा मुझसे कहा था कि रात चलते कोई फकीर भी आ जाए वो उससे शादी करने की, मगर मुझसे नहीं करेगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया और फिर मैं तुम्हें बारिश में साहिबा समझ कर आई थी, मैं तो मुझे धूप में खड़ा कर दिया। ताया को धमकी जरूर दी थी मैंने, आज भी आने से मना कर रही थी। मैंने कहा अगर आज आप लोग नहीं आएंगे ना तो बस, ये बातें सितारा को पता चल गई। मुझे नहीं पता आपके पास से नफरत करने की क्या वजह है, लेकिन मेरे पास से नफरत करने के लिए इतना काफी है कि आप मेरी वजह से इस शख्स के सामने मजबूर हैं। सालार के ससुराल वाले, मिलवाओगी नहीं? किरण बेटा, आप क्या क्या कर रही हैं? जाएं बहन के पास जाएं। क्या कह रही थी? सालार रास्ते में होंगी, आ जाएंगी। यार नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सालार, listen to me, बात सुनो मेरी। क्या listen? हाँ बोलो, क्या listen? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे बुलाया था सॉरी के लिए? मैं उसे उल्टा समझा रही थी। मेरी बात सुनो, मैं कोई अंधा या बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारी स्ट्रेटजीज ना समझूं।
तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई गेम खेल रही हूँ। जो भी है, लेकिन तुमने उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है सबा। तुमने तो उसे वेलकम तक नहीं किया, तुम तो मिलने भी नहीं आई और मैंने शिकायत भी नहीं की, लेकिन जो आज हुआ है ना वो मोर देन इनफ हो गया। बस हो गया, मेरा बिहेवियर कोल्ड था, ये साइलेंट था, ऑब्वियस था, सबके सामने था, लेकिन आज तुम मेरे साथ गलत बात कर रहे हो। ठीक है, मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन तुम उससे दूर रहना। ओके, क्यों दूर रहूं? तुमने उससे शादी की है, अब उसे सारे घर वालों को फेस तो करना पड़ेगा ना। मेरी बात सुनो, मैं उसके साथ कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके, तुम्हें लगता है कि मैं उसके साथ कुछ गलत करने आई हूं? हाँ, पता नहीं है। I'm sorry. मुझे लगा वो बहुत बदतमीज है। वो जैसी भी है ना, वो मेरी बीवी है। जैसी भी नहीं है, बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ी इमोशनल है। सितारे के रिलेटिव्स आ गए।